भारत की सबसे खूंखार कमांडो में से एक है गरुड़ कमांडो, जो इंडियन एयरफोर्स का ये हिस्सा है। साल 2004 में 6 फरवरी को इनका स्थापना किया गया था। दरअसल 2001 की जम्मू कश्मीर की एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स ने एक खास स्पेशल फोर्स यूनिट की बनाने का विचार किया। इसके चलते 2004 में टाइगर फोर्स के नाम से एक स्पेशल फोर्स यूनिट गठन किया गया। बाद में इसका नाम बदलकर हिंदू पौराणिक शक्तिशाली देवता गरुड़ देव के नाम से इनका नाम पड़ा गरुड़ कमांडो। ए फोर्स बेसिकली एयरबोन ऑपरेशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन एंड फायर सपोर्ट, होस्टेज रेस्क्यू जैसे काम में माहिर होता है। आइए आप जानते हैं गरुड़ कमांडो की सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में। इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो बनना बहुत ही लंबा प्रोसेस होती है। इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो चयन करने के लिए सिविलियंस को भी मौका दिया जाती है, एज कमीशन ऑफिसर एंड नॉन कमीशन ऑफिसर। दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस काफी अलग होती है। कमीशन ऑफिसर को गरुड़ कमांडो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले FCAT एग्जाम को क्लियर करना होगा। फॉर ग्राउंड ड्यूटी बैचेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स अकेडमी में ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस कोर्स कैंडिडेट्स को मौका दिया जाती है स्पेशल फोर्स बनने में, और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मार्च किया जाता है गरुड़ कमांडो फोर्स में। अब जान लेते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर की ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। इन प्रोसेस में काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ती है। इसके तहत गरुड़ कमांडो बनने के लिए सिर्फ एक ही मौका दिया जाती है। अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित IAF सिक्योरिटी ब्रांच की रैली में पार्टिसिपेट करना होगा। ये रैली हर साल अलग अलग स्टेट में कंडक्ट किया जाती है। इस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका एज 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए और आपका क्वालिफिकेशन 12th पास करना होगा विथ 50% मार्क के साथ। विथ इंग्लिश मस्ट बी 50% मार्क्स होना जरूरी है। इस रैली में सबसे पहले आपको 1600 मीटर का रनिंग पूरा करना होगा और वो भी सिर्फ 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। रनिंग पूरी करने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा, जहां आपको मिनिमम 20 पुशअप मरना होगा और साथ में 8 चिन अप मरना होगा और साथ में 20 सेट अप भी मरना होगा। फिजिकल टेस्ट पूरी करने वाली सभी कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, जहाँ सिर्फ 45 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन की आंसर देना पड़ेगा, जहाँ आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जैसे क्वेश्चन पूछी जाती है। रिटन एग्जाम इंडियन एयरफोर्स की एक्स एंड वाई ग्रुप की रिटन एग्जाम की तरह ही होती है। रिटन एग्जाम में क्वालिफाइड स्टूडेंट को मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है और मेडिकल टेस्ट पूरी करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, जहाँ आप सिलेक्ट हुए तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजी जाती है। अब इनकी ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। इंडियन स्पेशल फोर्स के अंदर जितने भी कमांडो फोर्स होती है, जैसे इंडियन आर्मी की पैरा कमांडो, इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडो और इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो, इन तीन स्पेशल फोर्स में से सबसे लंबा ट्रेनिंग प्रोसेस होती है गरुड़ कमांडो की। करीब 2.5 से 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद एक जवान गरुड़ कमांडो बन पाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान नदियों और आग से गुजरना, बिना किसी सहारे पहाड़ पर चढ़ना, साथ में भारी भारी बोझ लेकर कई किलोमीटर दौड़ लगाना पड़ती है, ऐसे कई और हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ती है। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग करीब 72 हफ्ते की होती है, जिसके साथ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी शामिल होती है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स डायरेक्टली मौका देती है सिविलियंस को गरुड़ कमांडो बनने के लिए, लेकिन गरुड़ कमांडो पूरी तरह से तैयार होने के लिए 3 साल की समय लग जाती है। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग में सबसे पहले आगरा की पैरासूट ट्रेनिंग स्कूल में भेजी जाती है, जहां मार्कोस कमांडो और पैरा कमांडो को भी भेजी जाती है। इसके बाद गरुड़ कमांडो को मिजोरम में काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वेयरफेयर स्कूल में भेजी जाती है। बाद में गरुड़ कमांडो को कमांडर स्कूल में भेजी जाती है। उसके बाद हाई अल्टीट्यूड वेयरफेयर स्कूल, काउंटर इंटेलिजेंसी स्कूल और ड्राइविंग स्कूल में भी भेजी जाती है, जहां एक गरुड़ कमांडो पूरी तरह से तैयार होती है। आइए आप जान लेते हैं गरुड़ कमांडो के बैजेस के बारे में। गरुड़ कमांडो कई सारे बैज भी ओन करती है, जैसे पैरा विंग्स बैजेस। ये बैच ऑन करने के लिए सेना को आगरा की पैरासूट ट्रेनिंग स्कूल में भेजी जाती है, जहां पैरासूट की बेसिक जंपिंग ट्रेनिंग पूरी करना होती है। उसके साथ हेलो यानी कि हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाहो यानी कि हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जैसी ट्रेनिंग को भी पूरा करना होती है। इस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गरुड़ कमांडो के सीने में एक पैरा विंग्स बैजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बैच है गरुड़ बैजेस, या फिर गरुड़ विंग्स बैजेस भी कहा जाती है। ये बैजेस दर्शाती है कि ये एक इंडियन एयरफोर्स का गरुड़ कमांडो है। इनके अलावा एक गरुड़ कमांडो की शोल्डर पर एक स्पेशल फोर्स बैजेस भी देखने को मिलते हैं। इनके अलावा भी कई सारे बैजेस गरुड़ कमांडो ओन करती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।